अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइन आर्ट डायरी एंड माय नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। अब मेरी चूंकि बर्थडे है तो इस वजह से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगे हैं, और सिर्फ मेरी नहीं, आपको पता हमारे घर में माशाल्लाह चार बंदों की बर्थडे भी सेलिब्रेट होगी। मतलब मेरे बाबा की, मेरी थ्री सिस्टर्स, हम जो है। तो वो मैं मामा को बोल रही थी, मैंने कहा मामा आपके घर अप्रैल में सही बहार आई भाई, अप्रैल में आपके घर में बहार ही बहार थी। तो अभी ना हम लोगों ने, मतलब पहले उनकी रमजान में थी बर्थडे पापा की और आपी की, तो लेकिन बच्चों का काफी दिल था कि नहीं बाद में आनी वगैरह हमारे साथ होती हैं नहीं होती हैं, तो इस दफा हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। और पता उन्होंने, मतलब इतना प्यार आता है छोटे छोटे बच्चों पे, उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी करके सेविंग्स की हुई थी कि हम लोग गिफ्ट लेंगे ये वो ना। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं डिनर के लिए, तो उसके लिए रेडी होते हैं। वहां पर जाके तो सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे, केक वगैरह कट करेंगे, सब रेडी होते हैं जल्दी से। तो फाइनली अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। आज मैंने जरा अरेबिक लुक दी है क्योंकि मैं ये अरेबिक कुर्ता लेके आई थी मार्केट से, तो मेरा था कि बस मैं इसी के साथ ना तो अरेबिक स्टाइल ही करूंगी। फिर मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही हूँ आज। नहीं जनाब, अभी हम लोग आ गए हैं अनारकली में, अनारकली डिस्को चल, उसके बाहर ही था कचरों वाला, तो आपने हमारे लिए कचरे लिए। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, बट वो बोल रहे हैं कि अंदर स्पेस फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है, तो इस वजह से वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं, तो कोई स्पेस फ्री हो तो देख रहे हैं अंदर। और पता मसला क्या हुआ, हम लोग बुरी बात ये कि केक खाना भी भूल गए हैं, तो अभी केक का भी कोई बंदोबस्त करते हैं तो क्या करेंगे। लोगों को जगह मिल गई है लेकिन रूफ टॉप पे मिल गए, यहाँ पे नीचे एक था एरिया था तो वहाँ पे उन्होंने हैप्पी बर्थडे का टैग किया हुआ था, तो मेरा दिल था कि वो वाली जगह हमें मिल जाती, लेकिन चले ऊपर वाला, वैसे मेरा रूफ टॉप वैसे अभी तक दिखा भी नहीं गई है। ऑर्डर हम लोगों का भी प्लेस हो चुका है, रश बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लिचर पे, तो थोड़ी देर तक आ जाएगा हम लोगों का पेपर वगैरह और जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है। तब तक हम लोग थोड़ी अपनी सेल्फीज वगैरह बना लें और इस तरह से थोड़ा सा अपनी इंक्वायरी कर लें। रस्ते से मेरी सिस्टर ने हम सबके लिए जो है ना, मतलब जितनी भी लेडीज थी उन सबके लिए लिए हैं गजरे, और बहुत खूबसूरत गजरे हैं। इंतजार कर रही हूँ मुझे कब देंगे, मुझे देखेंगे। हम लोगों का खाना आ चुका है, जिनकी सुरंग तो को भूख लग रही है। भाई कर देंगे ना, फिकर करें। अच्छा मेरा बच्चा, यहाँ सर गाय छाती खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ खाना वगैरह खा लिया, सेलिब्रेट हो गया, केक याद नहीं था इसलिए अब घर जाके ही उसको कट कर लेंगे। हम लोग अब जा रहे हैं ऑफिस, हम घर अपने हैप्पी बर्थडे वाला। अभी हम लोग ले आए हैं केक के बजाय आइसक्रीम, क्योंकि खा के आए थे तो बहुत गर्मी लग रही थी चल चल के, तो इसलिए अब आइसक्रीम कट करेंगे, केक हम लोग फिर पेंडिंग पे है कल कर लेंगे। सो
उसका कल मैंने अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट की थी और आज मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ. तो लाइट सा बिल्कुल किया है, मेकअप क्रीम वगैरह लगा के बस लिपस्टिक लगाई है. ज़्यादा मैं यू नो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती वैसे भी, तो चेंज वगैरह करती हूँ. वो लोग भी वेट कर रहे हैं तो फिर पहुँचते हैं वहाँ पर. मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब निकलते हैं. हील्स पहनी है तो ना यार, मतलब पता नहीं मुझे तो ये अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, लेकिन फिर मुझे तो मैंने किए हैं तो फिर फैशन तो करना है ना मुझे. अभी हम लोग पहुँच गए हैं. इसको ना बार बार पकड़ के मुझे ऐसे खींचना पड़ता है. तो हम आए हैं अनाया चाइनीज़ रेस्टोरेंट. मेरा ना काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कुछ चाइनीज़ खाने का, तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पर आ गए. यहाँ पे स्टेक और वो चिकन चाउमिन वगैरह और पास्ता ऑर्डर किया. मैं खाना आ गया, बहुत 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 खुशी है. मैं बहुत 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 ज़्यादा भूखी थी. यार सच में ना, आपकी बहुत दफ़ा बर्थडे सेलिब्रेट होना तो बहुत मज़ा आता है. तो अभी मेरी दो दफ़ा तो बर्थडे सेलिब्रेट हो चुकी है ऑलरेडी, और अब मेरी तीसरी दफ़ा बर्थडे सेलिब्रेट होने जा रही है. अभी मैं ज़रा यूनिवर्सिटी से आई हूँ तो इस वजह से ज़रा हुलिया मेरा ख़राब हुआ है. थोड़ा सा इसी को फ्रेश करते हैं कि अभी यही पहन कर चले जाऊँगी. तो फ्रेश होती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद केक लेना है, फिर उसके बाद जाऊंगी मैम वेन्यू पे और वहाँ पे सब फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाएंगे. तो यूनिवर्सिटी फेलोज जो भी हैं मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, तो सबके साथ मिलते थे. फिर अब तीसरी दफ़ा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होगी. सो अभी हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले केक लेने जाना है, उसके बाद फिर आगे वेन्यू पे जाएंगे. यार इनके पास ना बहुत अच्छी वैरायटी थी केक्स वगैरह की, और यहाँ पे ना ये इस बंदे ने इतना मज़ा मजे की चीज़ें लिखी है. मैंने पढ़ाई थी केक और स्पार्क कैंडल, तो हम लोगों ने वो ले ली थी. केक बहुत प्यारा था मेरा और बहुत यमी भी थी. मैं गौरमेट से पहले पता किया क्योंकि मुझे बेसिकली गौरमेट के केक्स बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई मस्त पसंद नहीं आया. फिर मैं यहाँ पर आ गई और फिर फाइनली मैंने डिसेंट से केक ले लिया. केक हम लोगों ने ले लिया है यहाँ से. अब आगे जाते हैं वेन्यू पे. ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं. 5 बजे का टाइम दिया था मैंने उन सबको और 5:15 खुद हो चुके हैं मुझे. लेकिन उम्मीद है कि अभी तक कोई आया वैसे भी नहीं होगा. मैं अभी बहुत दुख में हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत सारे बंदे बुलाए थे, लेकिन एंड टाइम पे ना आधे बंदे नहीं आए. और मैं ना बहुत दुख में इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा केक ले आई हूँ, ठीक है. मेरे बहुत पैसे लग गए हैं और अब कोई नहीं. मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स बुलवाए हुए थे ना, तो अब ना फिर वो कोई बात नहीं. हम लोग अब सिर्फ 5 बंदे हैं, तो लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वो केक खत्म कर लें. ऊपर से ना ओ ये लोग केक के ऊपर लगे चॉकलेट पर लड़ रहे. ये हम लोग हाँ ये देख रहे हैं, ये भी सारा खराब हो गया है. चलो मैं आप लोगों को इधर से खिलाती हूँ, इधर से दिखाती हूँ. ये देखिए पाकिस्तानी कौन शोधी हो जाती. हैप्पी बर्थडे शेख साहब, हैप्पी बर्थडे. बेटा तुझे केक काटना नहीं आया. इतना ही काटते हाँ, मेरा मेल चल गया. कितना क्यों भाई, यार किनका है. ओए बात सुनो. तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर. फ्री हो गए हैं. बस ये था आज का मतलब मेरी बर्थडे का ब्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.